हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर महिमा उपाध्याय। आई एम गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये साइंस पता होना चाहिए जिससे कि आप राइट टाइम पर अपने डॉक्टर से मिल सकें। इनको हम डेंजर साइंस बोलते हैं। तो जैसे ये प्रेगनेंसी में कई तरह के साइंस हो सकते हैं, कई तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स कितने हो रहे हैं और किस किस ग्रेड तक नॉर्मल हैं और कब उसके आगे वो एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजाइनल ब्लीडिंग की। अगर प्रेगनेंसी में कई बार थोड़ी बहुत स्पॉटिंग शुरू में हो सकती है, उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग लगातार हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या उसके साथ में अगर पेन भी है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेजाइनल ब्लीडिंग इज़ अ बैड साइन। ये एबॉर्शन को इंडिकेट कर सकता है या अर्ली प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करता है। और अगर आपको बाद के महीनों में ये प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये हो सकता है आपका प्लेसेंटा लो लाइंग हो, जिसको हम प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं, या फिर आपका प्लेसेंटा डिटैच हो रहा हो इस, या आपका अर्ली लेबर स्टार्ट हो रहा हो। तो वेजाइनल ब्लीडिंग अगर बार बार हो रही है आपको और ज़्यादा अमाउंट में हो रही है, तो वो ठीक साइन नहीं है। फिर हम आते हैं एब्डोमेन पेन। अगर एब्डोमिनल पेन के साथ आपको ब्लीडिंग हो रही है, या सिर्फ अभी एब्डोमेन पेन ही है जो बैक में जा रहा है, जो थाइज में अंदर की तरफ फील हो रहा है, तो इस तरह का पेन आपको अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की वजह से हो सकता है। अबॉर्शन प्रायर टू अबॉर्शन, यानी कि थ्रेटन्ड अबॉर्शंस, यानी कि आपका अबॉर्शन होने की कंडीशन में है, या आपको प्री टर्म लेबर पेन्स भी इंडिकेट कर सकता है जो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। उसके बाद अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है, नॉजिएटिंग फील होता है, थोड़ी बहुत दो तीन बार वॉमिटिंग भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग है कि आप ओरली कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप पानी भी नहीं पी रहे हैं, आप थोड़ा भी पानी पीते हैं या थोड़ा भी खाते हैं, तो आपको तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। दिन में 8 से 10 या 10 से 12 तक वॉमिटिंग हो रही है, तो वो ठीक साइन नहीं है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। फिर उसके बाद है फीवर। अगर आपको फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत वीकनेस जैसा लगना या फीवरिश फील होना, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर है, तो वो कोई भी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है आपकी बॉडी में। कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें UTI बहुत कॉमन है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में फीवर बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी में आता है, या उसके अलावा और भी कई कंडीशंस हो सकती हैं, कोई भी वायरल फीवर्स हो सकते हैं। तो हाई ग्रेड फीवर बेबी को नुकसान कर सकता है, उस केस में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। फिर एक सिम्टम है वेजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी में आमतौर पर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज वैसे भी बढ़ जाता है, क्योंकि हॉर्मोन्स की इन्फ्लुएंस होती है, तो हॉर्मोन्स की वजह से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग है, आपको कोई स्मेल इसमें फील हो रही है, या ये वाटरी है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार प्रेगनेंसी में फंगल इन्फेक्शन होने के, कैंडिडा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। साथ में अगर आपको इचिंग भी हो रही है, तो भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। अगर ये डिस्चार्ज स्मेल है इसमें, तो भी कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और अगर ये वाटरी डिस्चार्ज है, तो हो सकता है कि आपका वाटर बैग बर्स्ट हो गया हो और आपको प्री टर्म लेबर पेन स्टार्ट होने वाले हों। फिर उसके बाद एक साइन है इचिंग। अगर आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, थोड़ी बहुत इचिंग हो सकती है, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, आपको एब्डोमेन पे थोड़ी बहुत इचिंग होना नॉर्मल है, ब्रेस्ट वाले एरिया में थोड़ी बहुत इचिंग नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, इचिंग के साथ में रैशेज भी हो रहे हैं, स्पेशली आपको पाम्स पे और सोल्स पे बहुत ज़्यादा इचिंग फील हो रही है बेड टाइम पर, तो वो बिल्कुल ठीक साइन नहीं है। इसको हम इंट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ कई सारे फैक्टर्स की वजह से कई बार लिवर का जो फंक्शन होता है, वो थोड़ा सा डिरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इचिंग होती है। और इस तरह की इचिंग, यानी कि IHCP इंट्रा हिपैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, बेबी को नुकसान कर सकती है। तो कभी भी इस तरह की इचिंग को इग्नोर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। हर माँ को अपने बेबी का मूवमेंट मोस्टली 5th मंथ के बाद फील होना शुरू हो जाता है, और सभी इंडिविजुअल्स में, सभी मदर्स में बेबी मूवमेंट का पैटर्न थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। कभी किसी को डे टाइम में ज़्यादा मूवमेंट फील होते हैं, किसी को नाइट टाइम में ज़्यादा फील होते हैं, या फिर इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं, अगर मदर को अपना एक नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूवमेंट पता है, और अगर उससे मूवमेंट ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो भी एक ठीक साइन नहीं है। और ये इंडिकेट करता है कि आपका बेबी कुछ आपसे कहना चाह रहा है, या वो किसी काइंड ऑफ स्ट्रेस में है।
तो इस वक्त भी आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है। फिर अब जिस सिम्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी कई लोगों को होता है, सीवियर हेडेक। अगर आपको सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको हाई बीपी हो सकता है। हाई बीपी के साथ साथ अगर आपको हेडेक के साथ थोड़ा सा ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो रहा है, आपको देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, या अपर एब्डोमेन पेन है, तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपका बीपी हाई हो सकता है और उसकी वजह से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, आपके घर में किसी को हाई बीपी रहता था, या आपको प्रेगनेंसी से पहले बीपी हाई रहता था, या आपकी पहली किसी और प्रेगनेंसी में बीपी हाई रहा है, तो इन सारी कंडीशंस में आपको इन सारे सिम्टम्स के लिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। और ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आपको फील होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है और अपना बीपी चेक कराना है। तो ये जितने भी साइंस मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, जिनको हम डेंजर साइंस इन प्रेगनेंसी कहते हैं, इनकी थोड़ी बहुत, इनका थोड़ा बहुत होना कई बार नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये इस हद तक फील होते हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो ये सब कुछ ना कुछ आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं और इन सारे ही केसेस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना है।